हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज़िशान रेडियो इंजीनियरिंग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ज़िशान अली। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं कि लाइव स्ट्रीम कैसे आया जा सकता है जीरो सर्च करके के साथ। तो जस्ट कैसे आया जा सकता है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से शेयर करूँगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप चलेंगे तो जीरो सर्च कार्डर भी होंगे ना आपके, तो इंशाल्लाह आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकेंगे यूट्यूब पर। तो जो इस मेरे चैनल पर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें क्या कमी थी जो मैं अपनी वीडियो को नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग की जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वो कैसे आप जीरो सब्सक्राइबर से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब की जो रिक्वायरमेंट है वो 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तो फिर आपको वो लाइव स्ट्रीम देगा। तो मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वो जीरो सब्सक्राइबर से भी आप लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे। तो वो क्या चीज़ है आपको बताते हैं। हम चलते हैं मोबाइल से ग्रीन पर, तो आपको बताते हैं कैसे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं कि मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कैसे की जा सकती है, मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कैसे की जा सकती है विदाउट 10,000 सब्सक्राइबर के। तो अक्सर ही मुझसे सवाल पूछा जाता है कि ज़िशान भाई आपने कभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की, आपने कभी ऐसा कुछ, आपने कभी लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। तो उन जिन भाइयों ने ये सवाल पूछा तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है कि जो भाई लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। क्योंकि जो दोस्त अक्सर नए यूट्यूबर के लिए वॉच टाइम पूरा ना कर पाना और पूरा ना देख पाना, यानी कि इस तरह के जो मसले मसाइल हैं उनके लिए, वो अगर इन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। क्यों फ़ायदेमंद होने वाली है? क्योंकि जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो जो चीज़ है वो इतनी बआसानी से, यानी कि उससे आप जो मैं ऐप आपके साथ शेयर करूँगा उससे आप लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ही आसानी से कर सकेंगे बिल्कुल ज़ीरो सब्सक्राइबर से। यानी कि अगर आपके पास सब्सक्राइबर नहीं भी हैं तब भी आप कर सकते हैं। जिनके पास 100 हैं, 200 हैं, 300 है, 500 हैं, 1,000 है, वो भी आसानी से कर सकेंगे। तो वो क्या चीज़ है, वो क्या है, वो ऐप कौन सी है? तो आइए बताते हैं आपको कि वो कौन सी ऐप है जिससे आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर प्ले स्टोर खोलता हूँ। प्ले स्टोर खोलने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैमरा फ्री लाइव। ये एक ऐसी ऐप है जिससे आप लाइव स्ट्रीमिंग स्क्रीन को कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग लाइव टू लाइव कर सकते हैं, कैमरे के साथ लाइव भी कर सकते हैं। ये वो एक ऐप है जिससे आप, यानी कि ये वो ऐप है। तो यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेने, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं, मैं ओपन करूँगा इसे। तो आइए आपको बताते हैं कि इससे लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। ऐप ओपन होगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा कि कैमरा फ्री लाइव। इसके बाद ये चीज़ शो होगी कि कैमरा फ्री लाइव 1 मिनट वीडियो, कैमरा फ्री लाइव, यानी कि ये आपने यहाँ पे क्लिक करके कर देना डोंट शो अगेन। तो ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा कि कैमरे के साथ आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, स्क्रीन के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, या आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, या फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, ट्विटर पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, जस्ट स्ट्रीम से रिकॉर्डिंग है यानी कस्टम आरपीएम। ये आपके सामने 6 से 7 चीज़ें हैं।
तो इससे भी अच्छी एक चीज़ है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि वो कौन सी ऐप है, कौन सी चीज़ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। वो इससे बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली ऐप है, जिससे कोई भी बंदा ऐसे ही मिनटों में लाइव लाइव आ जाता है। तो इससे आपको पहले बताएं कि इस यहाँ से काम आपने कैसे काम करना है, इसको कैसे, यानी कि यहाँ पे वो इसी तरह का साइन इन, फिर कनेक्ट यूट्यूब चैनल, इस तरह की बात आएगी। उसके बाद आपने फिर यहाँ ये आपके सामने आ चुका है, तो यहाँ से आपने कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से ये ब्रॉडकास्टिंग के बाद शुरू हो जाएगी ब्रॉडकास्टिंग ना, यानी कि ये ब्रॉडकास्टिंग आना शुरू हो चुका है ना, तो यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से इसको बंद कर दें। तो दूसरी चीज़ वो हमने क्या आपको बतानी है, दूसरी चीज़ ये है कि उससे आप इतनी आसानी से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जिससे वाकई में कोई कह सकता है यार ये बंदे ने जो वीडियो बनाई है ना, ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है उससे। वो कौन सी ऐप है, वो क्या चीज़ है, मैं आपको आपके सामने अभी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना क्या है, PI RSM, नीचे आपके सामने आ गया PRISM लाइव स्ट्रीमिंग लाइव स्टूडियो। तो यहाँ पे जब ये ऐप आपके सामने आएगी तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो इसको ओपन कर लेना, यानी कि पहले इंस्टॉल करना है आपने, फिर ओपन करना है। तो इंस्टॉल होने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा कि ऐसे ओपन हो गया ऐप। तो ऐप ओपन होते ही इस तरह के, यानी कि आपके सामने मेरा तो चैनल लगा हुआ है, तो इसको मैं साइन आउट करता हूँ। साइन आउट करने के बाद आपको बताता हूँ कि इसको लिंक कैसे करना है आपने। यहाँ से आपने लिंक कैसे करना है आपने, कि ये मैं आपके सामने सब बिल्कुल नया जैसे न्यू तरीके से आपको ना बताऊंगा कि यहाँ से आपने चैनल लिंक कैसे करना है। तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ आपके सामने। तो लॉग इन करने के बाद का आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। यानी कि एप्पल से करना चाहते हैं, ट्विटर ट्विच से करना चाहते हैं, गूगल से करना चाहते हैं, फेसबुक से करना चाहते हैं। वैसे मैं आपको अपने तौर पर रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल से ही इसे कनेक्ट करें, क्योंकि गूगल से फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपका चैनल जो डायरेक्टली इसको सपोर्ट कर लेगा, और दूसरी चीज़ आपको इसको अपने चैनल को ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उसी आईडी से इसे कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली आपको चैनल की अलाउ करने के अलावा बस अलाउ ही करनी है, एक दफ़ा पासवर्ड डालना है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका चैनल इस पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने करता हूँ। जैसे ही आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल पे क्लिक करने के बाद आपने इस तरह का इंटरफेस शो होगा कि आपने कौन सी आईडी से, मेरा चैनल है ज़ीशान अग्रंजनी, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने जो काम करना है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ना ही परेशान होने वाली बात है। तो ये आपके सामने शो हो रहा है ना, कि यहाँ पे आपने करना क्या, यहाँ पर रेडी पे क्लिक कर देना बस, और कोई मुश्किल काम नहीं। तो सेट डेस्टिनेशन, यहाँ पे मैंने यूट्यूब सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कनेक्ट यूट्यूब। ये जब भी ये कनेक्ट यूट्यूब कहे तो आपने इसको कनेक्ट करना है साथ ही, यानी कि मेरा ये अकाउंट पहले से लगा हुआ है, तो मैं इसको पहले से लगा हुआ है, तो इसको मैं बस पासवर्ड डालूंगा। तो माजरत से मैं आपको पासवर्ड अपना भी नहीं दिखा सकता, तो मैं इसको थोड़े से स्किप करने के बाद आपको बताता हूँ। जी, पासवर्ड मैंने डाल ली है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ सॉरी पासवर्ड नहीं लगा, तो माज़ जी अब पासवर्ड
पासवर्ड मैंने लगा दिया, तो इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो आपके सामने चीज़ शो होगी वो कुछ इस तरह से चीज़ शो होगी कि यह चूज एनी अकाउंट टू कंटिन्यू योर प्रेजेंट लाइव स्टूडियो, यानी कि आप एग्री करना चाहते हैं कि मैं इसको इस लाइव इस ऐप को इजाज़त देता हूँ कि ये मेरे अकाउंट के साथ लिंक हो जाए। तो फिर इसके बाद यू विल अलाउ प्रेजेंट लाइव टू मैनेज योर अकाउंट यूट्यूब अकाउंट मेक यू श्योर ट्रस्ट प्रेजेंट लाइव स्टूडियो यू हैव द शेयरिंग सेंसिटिव इन्फो द साइट ऐप लर्न अबाउट द पर्सन विल यू हैंडल यू डाटा रिव्यूइंग टीम टर्म्स एंड सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी यू कैन ऑलवेज सीज द रिमूव एक्सेस गूगल अकाउंट, यानी कि आप ये सारी इजाज़त लेगा तो फिर आपने अलाउ कर देना बस। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इससे जब चाहे इसकी अथोराइज कैंसिल कर सकते हैं आप कभी भी किसी वक्त भी। जी देखें आपके सामने ये मेरा चैनल आ चुका है, तो इस तरह की इंटरफेस यानी कि आपने पब्लिक करनी है जो भी करनी है, या मैंने रेडी पे क्लिक किया था ना, तो रेडी पे क्लिक करने के बाद इस तरह की इंटरफेस शो होनी है। तो मैं वैसे ही आपके लिए आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा प्राइवेट। प्राइवेट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये मुझे पूछेगा कि अपना टाइटल डालें, तो टाइटल जो भी है मैं इस इधर को क्लिक कर दूंगा, खाली जो बना रहा हूँ तो कोई भी डाल देना मैंने। तो यहाँ पे गो टू लाइव, यानी कि वो कहता है कि नहीं टाइटल डालना ही डालना है आपने, इसके अलावा कोई काम नहीं। यहाँ पर देखता हूँ लाइव इन होम, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो टाइटल डाल गया, तो आपने ये देखें स्टार्टिंग इन इम्परेटिव मोड स्क्रीन, तो यानी कि आपकी सीधी स्क्रीन। यहाँ से लैंडस्केप भी कर सकते हैं आप, इसकी कोई मसला नहीं है, इसकी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है कि अगर आप ये नहीं यही करना है। तो ये देखें आपके सामने लाइव आना शुरू हो चुका है। यहाँ से आप कैमरा चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ से कैमरा चेंज हो जाता है। ये देखें जी, ये फ्रंट कैमरा आ चुका है मेरा। तो यहाँ पे आपके मैसेजेस वगैरह, ये मैसेज वाला खाना है, ये यानी कि ऐड सकते हैं बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ दोस्तों रहो आपका ज़िशान अली, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल ज़िशान एग्रो इंजीनियरिंग डेस्क का। ओके, अल्लाह हाफिज़।